मौत तेरे करीब है। मौत के सामने खड़ा होकर मौत को ललकारता है। मौत तेरा इंतजार कर रही है विजय सिंह, तैयार हो जा। विजय सिंह का काम तो तमाम हो गया। और चलो आप उस शराब ज्यादा जालिम सिंह की हवेली चलते हैं। आ मेरे साथ चल बहना। हेलो, ये आ गए वसीम अहमद 50 रुपया। हमारी पार्टी आशीर्वाद कामना, धन्यवाद। रामलाल मालिक, ये लोग हमारे हवेली के गेटवा के बाहर भीड़ का एक, ये सब कॉलोनी खातिर खड़े हैं। एक काम करो, इन लोगों के अंगूठे का निशान लगवा के और खाता नंबर सब कर ले, 5-5 किलो अनाज वितरण करवा दो। बाबू साहब कहा जाने कहा है, आज एक चिड़ै कहा था टूट, एक कहा था कनो खोदो, एक कहा था पेट ले चल बगिया का। अरे वो पंछी है, पंछी है, पंछियों की बोलने की ऐसी ही आदत होती है। बुला काम है यह, अगर कुल हमार भर भर रोलना तो कोनो परिवार मने मरा। तेरा कुल उलरने से असगुन होता है कार्य। हाँ, कोनो परिवार मने मरा था कार्य। कौन है बड़ा आदमी? अरे यार बड़ा आदमी तुम हो और यार यह जगनीटर वाला है। हो सकता है जगनीटर वाले की बात। एक काम कर, और नहीं यार जगनीटर वाला ना मरे तो वीडियो कैमरा वाला पहले मरे। देश विदेश में आए फैलाए चार। एक काम करो, कुर्सी लगाओ, हम थोड़ा आराम करेंगे। कहो जालिम सिंह, क्या हाल है? श्यामलाल, ये लोग काहे लिए आए हैं? ये आए हैं अपन आधार कार्ड बनवावे, आधार कार्ड बनवावे और कह रहे हैं कि थोड़ा से हमारे आधार कार्ड गड़बड़ है, लिंक करा दियो। चलो इनका नाम पूछ कर ओ, बात कर लो। नहीं 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 नहीं, आप है बोल बोल। हमका पूछे कि नहीं ना जौन हम। जालिम सिंह मुझे पहचाना? और मुझे पहचान, मैं कौन हूँ? मेरा नाम तुम
तुम दोनों को तो नहीं पहचाने हैं, लेकिन ये तीसरे को पहचान लिए। अरे हमारी बिटिया शांति है। तेरी बिटिया शांति है और ये तेरा दामाद है। और मुझे पहचानता है? अभी हमारी बिटिया की शादी नहीं हुई, दामाद कहाँ से बन गए? मैंने अपने मन से अपनी शादी कर ली। वो सामूहिक विवाह कर लिया? मंदिर में शादी मैंने अपनी कर ली। श्यामलाल बड़के बड़के के घर में जाए तेरा हुआ बिटिया। शाबाश, आज हमका मालूम हुआ कि हमारी बच्चिया के दांत निकल आए। क्या? काश मैं जानता कि तू हमारी नाक कटवाएगी ना। क्या? तो जिस समय तू अपनी मम्मी की कोख में थी ना, हाँ, डॉक्टर के इंजेक्शन के जरिए मरवा देता हूँ तुम्हें। अब तू क्या मरवाएगा साले? जालिम सिंह, जब कुत्ते की मौत आती है तो कुत्ता शहर की ओर भागता है। बिजली खेल वही खेला जाता है, हाँ, जो खेल अच्छे तरीके से खेलना आता हो। तो तू मुझे खेल खिलाने जा रहा है? बोल हराम दादी। मेरे भाई रहे को जेल तूने ही भिजवाया था ना? हाँ, हमने जेल भिजवाया था। बाबा का खून तूने ही किया था ना? हमने नहीं किया था, हमने बाबा का खून करवाया था। हराम दादी, विजय सिंह के हाथों तूने बाबा का खून करवा दिया। देख हराम जादे, वो मेरे पीछे आके लगे हुए हैं। देख उधर। वेरी गुड, पहले इसकी पोजीशन डांट करो। आए ओए इधर, सबसे पहले इस साले का पोजीशन डाउन कर, मिर्गा का। यार है मिर्गा ठाकुर, इधर देखो साहब। हमार मामा है तो हमार भाईले बना था। जालिम सिंह, मेरे पूरे परिवार को तूने ही घर से बेघर किया। मेरा नाम रहम है। अब मैं जान गया हूँ, वो जो छोटा साधारण है। ए बिजली, अब बिंदिया सारा कैसे हंस रहा? बोल क्या कहना चाहता है रे? हमें माफ कर दे, माफ कर दे, उसे भूल जा। हराम दादे, उस दिन की बात याद कर जिस दिन तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, और मैं तेरे हाथ जोड़ती थी और तेरे पांव पड़ती थी। अब लेकिन नहीं करेंगे, हराम अब नहीं। बोल हराम दादे, मैंने तुझसे गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि जालिम सिंह मुझे माफ कर दे, लेकिन तू क्या कहता था कि चलो उतारो कपड़े। हाँ लखपति, चल इसके साले कपड़े उतार ले। उतार कपड़े इसके साले के। जालिम सिंह, अगर तेरे जैसे कमीना इस
पृथ्वी पर रहेंगे तो ये पृथ्वी के लोग पर भी असर पड़ सकता है। यार मरना नहीं चाहते मरोगे। उतारो कपड़े सबसे पहले इसके। हेलो, ये आ गई छोटी सी बेटी, छोटी सी लड़की अंशिका, विरोध की बिटिया की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। इसका पूरा कपड़ा उतरवा के साबुन हम देंगे, मारो साले को नहला के। जैसे सौरी बाग होता के बेच के जालिम सिंह, अगर तेरे जैसे दरिंदे इस पृथ्वी में रहेंगे और इस समाज में रहेंगे तो ये समाज के लोग भी बिगड़ जाएंगे जैसे तू बिगड़ गया था। और इस समाज में ही कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं। अब दाग नहीं लेते हैं दाग। माफ कर दूं, अरे जैसा किया है तूने, अरे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, ये खुशी गुप्ता उनकी तरफ से 10 रुपए इनाम दे रहे कह रहे हैं कि इनको कपड़ा उतरवा के मार दो। एक साले का पैंट वेंट सब चट्ठी उठी उतरवा लिखा। जालिम सिंह तैयार हो जा मरने के लिए, मौत तेरा इंतजार कर रही है। हेलो हेलो, रुको भैया अभी मत मारो, अभी मत मारो, अभी आ गए इसको बचाने वाले, इसका कपड़ा उतरवाओ फिर इसके बाद मारो। ए लकती, नहीं तो तुम्हार कपड़ा उतरी।
कपड़ा उतरो है तुम्हारा कपड़ा उतरी लगभग 20 रुपए का पुरस्कार गुड्डू सरोज की तरफ से। जल्दी उतारो लगभग तुम्हें पहले जाओ आप कपड़ा उतारने जा रहा है। अरे सगरे विद्यार तुझे तो बेटी कहने में क्या क्या हुआ कल मुही हराम जादे कहीं के मुझे कलमुही बोलता है। अरे तो हमें तुझे बात पहले में शर्म आती है। क्या सार में सीधा बात कोइनुआ के परेठा के सारे सब कपड़ा उठा लाएगा। अरे सीधा लोकाई तो पुरवा जाएगा। और मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल साले जालिम सिंह ठाकुर जाएगी आओ मेरे साथ। एक साथ कर वर्षिया बहुत सतह खा गए इसको मर गए के पे जिंदा है जा रहा हूं जा रहे हो लेकिन अकेले नहीं फिर क्या कह रहे हम इस गांव से दो चार लौंडे लेके जाऊंगा। ये पहले करे भाग रहे हैं हमका स्वर्गों में ठिकाना नहीं ना तुमका ठिकाना ना हमका ठिकाना। चलो चली राम मिलन के घर है तुम राम मिलन के घर चले जाओ हम राम नवाज के घर चले जाए। सर ये हिंदू वो हिंदू ये नमाज पढ़ रहे हैं ये अल्लाह को या राम को बुला रहे हैं। दीवान जी ये तो जिंदा लगता है लेकिन ये साला मुर्दा लगता है। देखो आग देखो इसके साले की
निकाल इसकी तलवार, तलवार निकाल, मैं बताता हूँ। ये मरा है जो मर गए तो काय साहब मारा था। है? है? हम का ना प्रकार हम बलबन कर ठाकुर साहब को देखिए। डाकू बिजली से डरने की कोई बात नहीं है, हमारी पूरी पुलिस फोर्स यहां पहुंच चुकी है। दीवान जी साहेब, मुझे मालूम हो गया, हमों को मालूम हो बिजली यहां तक पहुंच गई है, इसलिए तुम ऐसा करो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और मैं उसके पीछे करता हूं, मेरे साथ आओ जल्दी। हमका लग रहा रे काकर साहब, लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। लाश का कोर्ट मैरिज कराई आई, देखो साला ऐसा सवारी भरे है का पता है, तुरंत चल रहे मेरे भाई रहे, मेरे भाई रहे इंडिया, वो इंस्पेक्टर राजेश हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। अगर अपनी जिंदगी की खैरियत चाहते हैं तो खुद को कानून के हवाले हो जा। मेरी बहन बिंदिया कहाँ चली गई? ये मेरा भाई रोहित न जाने कहां बिछड़ गया है, मैं उसे देखती आरिश, मेरे भाई रहे, मुझे गोली लग चुकी है और अब जीवित नहीं रह सकती। मेरे भाई नहीं बिंदिया, नहीं बहन बिंदिया, बिंदिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं बचा लूंगा। या बिजली मेरे भाई रहे, देख अगर तेरा भाई राजेश अगर तुझे कहीं मिले तो उससे बता देना तेरी बहन इस दुनिया छोड़कर
चली गई मेरे भाई। बहन बनिया, तुम क्या बोलती हो, तुम ठीक हो जाओगी? ठहरो, तुम कहाँ का रहने वाले हो? मैं कैलाश नगर का रहने वाला हूँ। कैलाश नगर? तुम्हारे पिता का क्या नाम था? हीरा किशन नाम था। हीरा? हाँ। तुम्हारी माँ का क्या नाम था? मेरी माँ का नाम लाजवंती था। और ये मेरी बहन बिल्लिया है। ये डाकू बिजली नहीं? नहीं, ये डाकू बिजली नहीं, ये बहन बिल्लिया है। तुमने अपने ही हाथों से गोली मार दी। या भगवान, ये मैंने क्या किया? अनजाने में आज अपनी बहन के ऊपर गोली चला दिया। दिया, ये तेरा भाई राजेश तेरे सामने खड़ा हुआ। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन, मैंने तुझे बिजली समझ कर तेरे ऊपर गोली चला। मेरे भाई राजेश, देख मैंने तुझे माफ किया मेरे भाई, और देखो मुझे कोई बुला रहा है। और बचपन के बिछड़ने के बाद तुम मुझसे आज मिली, और वो भी आखिरी कनारा कर गई तू। एक छोटा सागर मिला, घर में मिला भी प्यार, मुझको मिला सौगात में, खुशियों का संसार, ख्वाब जगाते सजोना के मिलो। नहीं मेरी बहन, मेरे बहन, नहीं, चलो बहन की लाश को इनका अंतिम संस्कार करते हैं। हेलो, ये आ गए मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह भैया चाय वाले के 50 रुपए सिंह की कद्र करते हुए इनाम दे रहे, पार्टी आशीर्वाद कामना चाहती है। धन्यवाद। शांति, ए शांति भैया राजेश, ये मेरे भैया है। मेरे भाई रहम, ये लड़की कौन है? भैया ये हमारी प्रेमिका है, मैं इसी पे बहुत प्यार करता हूँ। दीवान जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि हमारे भाई के हाथ में इस लड़की का हाथ दे दो। पहली बात ये बताओ, तुम्हारा लव हुआ है? लव हुआ है कि आई लव यू हुआ? मैं जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना करो।
ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, मेरे आदेश का पालन करो। आओ, आओ जाओ, बोलो शंकर भगवान की, बाबा प्रमाण तिवारी की। मेरे भाई भैया, और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज, कब आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज, कब आके मिले।